इनको आदत नहीं है ना, वो खुद बैठ कर आते हैं। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ममता पटवाल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक तथा शेयर करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपको ले चलता हूं आज राजकीय इंटर कॉलेज जानली के प्रांगण में, और जहां पर कि संकुल स्तरीय खेलकूद आयोजित हो रहे हैं। तो आज के जो इवेंट है उनमें है खो खो और कबड्डी। तो खो खो का जो है मुख्य इवेंट आज है, और इसी बीच जो है हम आपको ले चलेंगे, एक रेस भी बची है उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। आज आपके समक्ष रहेंगे प्राइमरी की कबड्डी बालिकाओं की तथा जूनियर बालक तथा बालिकाओं की खो खो। तो आइए ले चलते हैं आपको फील्ड की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी जो इवेंट चल रहा है वो चल रहा है प्राइमरी बालिकाओं की कबड्डी। क्योंकि प्राइमरी की जो बालिकाएं होती है काफ़ी छोटी होती हैं, अभी सीखना बहुत कुछ बाकी होता है इन्हें। तो ये देखिए जो कबड्डी खेल रही हैं उसमें भी आप देख पा रहे होंगे सर्किल नहीं बन पा रहा है, अभी उतना ज्ञान इन्हें है नहीं कबड्डी का, और साथ साथ इनको सिखाया भी जा रहा है कि किस प्रकार से खेलना है। तो फिर भी दोनों टीमें अपनी टीम को जिताने हेतु जद्दोजहद करती हुई, और रेट पर भी इनमें से एक एक करके भेजना पड़ता है कि चलिए आप चले जाइए, चलिए आप चले जाइए। वो देखते हैं, क्योंकि लीडर की भूमिका में कोई भी बच्चा इस प्रकार से नहीं होता है। इस उम्र तक में इतना जो विकास है उसके माइंड का वो नहीं हुआ होता है कि वो अपनी टीम को चला सके। हाँ, ये चीज़ जूनियर वालों में आप जरूर कह सकते हैं कि जूनियर में जो कैप्टन होता है वो टीम को रोटेट करता है, फिक्स होता है किसने जाना है, किसने आना है, किसने पकड़ना है, कौन कॉर्नर लगेगा, कौन डिफेंस करेगा, कौन रेड करेगा। ये देखिए बालिकाओं में कोशिश जारी है उनकी, अंदर जाने से बिल्कुल सभी रेडर जो है डर रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी अंदर ये पहुंची हुई है, उसके बावजूद भी कोई उसके पकड़ने के लिए नहीं आ रहा है, और साथ ही वो भी बिना पॉइंट लिए सीधे वापस जा चुकी है। अब देखिए फिर से यहाँ से पुनः हमें भेजने पड़ रहे हैं कि चलिए आप चले जाइए। हर बच्चे को हमें स्पेशली इंगित करना पड़ रहा है कि आप जाइए, और साथ में बच्चों को जो है सिखाना भी पड़ रहा है कि भी आपको क्या करना है। देखिए सीधे जाते ही एक इसने टच पॉइंट मारा, इतने में ही इसको जो है टैकल कर दिया गया। कितनी आसानी से यह टैकल होगी, थोड़ा सा जद्दोजहद जो है वो इसने की नहीं। अब देखिए ये छोटी सी बालिका जो कि अपनी टीम के लिए पॉइंट जुटाने के लिए, ये बोनस लेने के लिए जो इनको सिखाया गया है उसके लिए ट्राई करते हुए, लेकिन बोनस इनको प्राप्त हो नहीं पाया। तो गुरुजी जो है इनको समझाते हुए कि आप तुरंत रेट पर जाएं, ज़्यादा समय जो है न गवाएं। तो देखिए प्रत्येक बच्चा देखा हुआ है कि किसको जाना है, हर बच्चा ये सोच रहा है कि ये जाएगा या वो जाएगा या वो जाएगा। तो इसी बीच किसी एक पार्टिकुलर बच्चे को जो है इंगित करते हुए, और ये देखिए ये रेट करती हुई, इसका नाम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पूजा है। तो पूजा रेड करते हुए, रेड में टाइम ज़्यादा ले लिया है, और जिसके एवज में ये जो है फील्ड आउट हो गई है। तो अब अगला रेडर रेड पर जाते हुए, ये देखिए लगातार जो रेडिंग डिपार्टमेंट है वो चले जा रहा है, डिफेंस यहाँ पर बहुत ना के बराबर हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्या करती है, लग रहा है जैसे पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन और ये ग्रिप उतनी अच्छी नहीं, हाथ से पकड़ने की कोशिश।
हाथ से किसी भी रेडर को पकड़ा नहीं जा सकता है। तो अब ले चलते हैं आपको, जस्ट बगल में हो रही है जूनियर के बालिकाओं के खो खो। ये देखिए खो खो, खो खो में किस प्रकार से जो है बालिकाएं एक दूसरे को, ये लीजिए ये मारा, लंबा स्ट्रेच किया बॉडी को और इसको स्ट्रेच करते ही फील्ड से भी आउट किया। और साथ साथ ये देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल खो खो का प्रॉपर कार्यक्रम चलते हुए, खो 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 देते हुए। इसमें सभी स्कूल की जो बालिकाएं हैं वो मिश्रित बालिकाएं हैं, और बीच में ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर स्कूल या पार्टिकुलर विद्यालय की अपनी जो टीम है वो यहाँ पर हो। इसमें सभी जो छात्राएं हैं उनको मिक्सअप कर दिया गया था, सभी छात्राओं को एक साथ बैठाया गया था। एक साथ बैठाने के बाद सबको अलग अलग कैटेगरी उसमें टीम में बांटा गया था, तो जिसमें किसी भी स्कूल की कोई भी बालिका जो है हो सकती है, यानी कि पूरे स्कूल की जो बालिकाएं हैं वो सभी एक ही टीम में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मिली जुली मिश्रित जो टीम है वो चल रही है और काफ़ी जद्दोजहद चली रही है बच्चों के बीच। नए प्लेयर्स इसी बीच जो रन करने वाले हैं वो आए हैं, और ये देखिए और लंबा स्ट्रेच मारा और इसको फील्ड से भी बाहर किया। अगले जो कैंडिडेट है वो रन करते हुए, देखिए किस प्रकार से बच्चे पीठ पर खड़े होते हैं। ये देखिए ये जो ग्रीन टी शर्ट में है ये बिल्कुल इस प्रकार से, ये वो पहले से सतर्क है कि क्या होने वाला है, कौन कहाँ खो खो देने वाला है और किसके पास तक पहुँचना है। लंबा स्ट्रेच करने की कोशिश की, और क्योंकि खो खो के नियम बड़े सख्त हैं कि जिस डायरेक्शन में एक बार आप मुड़ गए उसके बाद उस डायरेक्शन से वापस आप नहीं हो सकते हैं, या फिर आपकी नज़रें जिस डायरेक्शन में एक बार घूम गई तो उसके बाद उस डायरेक्शन से आपकी नज़रें जो हैं वो वापस नहीं आ सकती हैं। ये देखिए यही पर से आपको रिटर्न कर लेना चाहिए था, जिसमें टाइम वेस्ट होता है। सबसे कम समय में जो टीम ऑल आउट कर देती है तो वो यहाँ पर विनर घोषित होती है। इसके बाद जो समारोह संपन्न हो गया है लगभग, तो वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं ग्राम प्रधान श्री मनोज सिंह रावत जी। तो इनका सम्मान करते हुए भट्ट जी, जो कि इंडियन जो हैंडबॉल है उसके कोच रह चुके हैं, तो सम्मान करते हुए श्री मनोज सिंह रावत जी का। और इसके बाद होगा पुरस्कार वितरण समारोह। पुरस्कार वितरण समारोह जो होगा वो जस्ट इसके बाद, क्योंकि सभी जो खेल विधाएं हैं वो संपन्न हो चुकी हैं, पुरस्कार वितरण समारोह जो है चालू हो चुका है। और यहाँ पे बच्चों को पुरस्कार वितरित करते हुए ग्राम प्रधान श्री मनोज सिंह रावत जी, और तत्पश्चात क्रमशः जो सभी उपस्थित यहाँ पर शिक्षक है, सभी शिक्षक अलग अलग इवेंट में बच्चों को, ये देखिए ये हैंड राइटिंग के जो प्रथम प्रतिभागी हैं वो है, इनको भरजी पुरस्कार देते हुए। ये रहे द्वितीय प्रतिभागी, द्वितीय पुरस्कार विजेता प्रतिभागी। ये देखिए रेस के लिए मिस्टर धीरज बिष्ट, ये भी आपको सामने दिख रहे हैं। एक एक करके कम सौ ये कुमारी उमा जो कि मानचित्र प्रतियोगिता में प्रथम आई है, और साथ साथ 400 मीटर रेस में भी ये प्रथम आई है। ये नव्या बिष्ट पुरस्कार ग्रहण करते हुए 400 मीटर रेस की सेकंड यानी कि रनर अप है ये। और इसके बाद ये ईरा चौधार से ये हर्षित बिष्ट जो कि 100 मीटर की रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इन्होंने, और द्वितीय स्थान प्राप्त करे हुए कैंडिडेट आपके समक्ष ये हैं। तो सभी शिक्षकों को जो है पुरस्कार, ये दूसरे इवेंट में भी ये अपना परचम लहराए हुए हैं, तो इन कई पुरस्कार, कई बच्चे इसमें ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन पुरस्कार ऑलरेडी ग्रहण कर चुके हैं। ये देखिए कुमारी नेहा,
आरती इसका नाम है, तो ये भी पुरस्कार लेते हुए अपने 100 मीटर की रेस का, और ये प्रतिभागी अन्य स्कूल से बिलोंग करते। देखिए सभी शिक्षक शिक्षिकाएं पुरस्कार जो है समारोह में सम्मिलित होते हुए, और अभी अन्य जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो भी, उससे पहले की एक दौड़ देख लें। इस लड़की पर नज़र बनाए रखिएगा, ये जो नीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, तीसरे नंबर पर चल रही है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि तीसरे नंबर पर अभी तक ये चल रही है। ये देखिए ये तीसरे नंबर की बालिका, ये देखिए ब्लू टी शर्ट पहने हुए और शॉर्ट पहनी हुई, ये देखिए स्क्रीन पर। और यहाँ से इसने देखिए दूसरे नंबर वाली बालिका को कट करना शुरू किया है, और ये देखिए बड़ी तेज दौड़ते हुए दूसरे नंबर की बालिका को कट करते हैं, और इसी के साथ पहले नंबर की बालिका को भी कट करते हुए। देखिए नीली टी शर्ट वाली जो बालिका है अपनी पोजीशन बना करके, ये देखिए, और ये इसी ने इसने यहाँ पर फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। नाम है इसका योगिता बिष्ट, पहले भी मुख्यमंत्री खेलों में कई पुरस्कार जीत चुके हैं। इसी बीच हमें भी पुरस्कार जो है वितरित करने का मौका मिला, तो इस सौभाग्य को मिला। तो इसमें यह है ललित सर जो कि पुरस्कार वितरित करते हुए, यह है जो बालिका आपको दिख रही है, ये गोला फेंकी फर्स्ट कैंडिडेट है। ये वो टीम है, विनिंग टीम, जिसने आगे ब्लॉक स्तर पर जाना है। SPS से चयनित जो बच्चे हैं वो, ये सभी बच्चे वो बच्चे हैं जो चयनित हो रखे हैं और जिन्होंने अगले यानी कि ब्लॉक लेवल पर प्रतिभाग करने के लिए जाना है। इसमें रेस, हैंडराइटिंग और लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला, चक्का, मानचित्र प्रतियोगिता और अंताक्षरी प्रतियोगिता तथा कबड्डी आदि के सभी कैंडिडेट इसमें सम्मिलित हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाज़त, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर जरूर करिएगा तथा साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।